ये तुम क्या भेज रहे हो कि हम एसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं? भाई तुम्हारे बारे में एक एक चीज, जो जो तुमने कराया, जो जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी लोकेशन भी ली है ना, तो डीसीपी साहब को पता है, कोई मतलब नहीं हमसे। देखो पैसा हमारा थोड़ा है मेहनत का, आराम का, हमने ज्यादा कमाया नहीं है, तो अगर हो तो वापस कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं, हम विचार कर लेंगे, ठीक है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कथित तौर पर एक सिपाही और एक एटीएम हैकर के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो से जाहिर होता है कि हैकरों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही पहले कानपुर के चकेरी थाने में तैनात था और अब अनवरगंज थाने में तैनात है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो 6:42 का है। आइए सुनवाते हैं पूरा ऑडियो। हेलो, क्या कह रहे थे यार तुम? चरस गांजे में भिजवा देना। हमने कब तुम्हें चरस गांजे में भिजवाया या कब बोला? देखो मेरी बात सुनो। नहीं आपने आपने ये बताओ, गाली नहीं नहीं गाली क्यों बकी आपने, ये बताओ ना। मैं आप करके बात कर रहा हूँ। आप हम नहीं नहीं हम जब तुम पे यार ब्लाइंड भरोसा कर रहे हैं तो तुमको यार इस तरह का कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या ब्लाइंड भरोसा करा भैया, बताओ। अब मैं आपको बता दूं, मैंने किया जाता है? नहीं नहीं, मैंने गांजा पकड़ाया उसके घर से मेरे दम। नहीं नहीं, हमें दुनिया में मेरे भाई नहीं, आप मेरे भैया सुननी है तो ठीक है, आप मेरी बात को सुनते नहीं हो। नहीं बताओ, अच्छा बताओ। मैंने गांजा पकड़ाया उसके घर से धमकी आ रही है, आपने मेरे को साफ जवाब दे दिया। भाई अपने सर से देख ले यार कमल। मैंने चलो भाई कोई बात, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि वो कुछ नहीं करेगा, हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है? कुछ नहीं करेगा ना कुछ कर सकता है, और कुछ करता है तो हम साथ नहीं देते क्या? अरे भैया देख, जब जो आदमी नहीं नहीं जो आदमी सीधा माँ की गाली बक दे, ठीक है। मैं तो आप मेरे से छोटे हो, आप मेरे से कम से कम 10 साल छोटे हो, फिर भी मैं आप करके बात करता हूँ भैया भैया करके। मैं आज तक मैंने कभी नाम तक नहीं लिया आपका, आप मेरे को माँ की गाली बक रहे हो। मेरी बात सुनो यार, जब कोई आदमी किसी पे ब्लाइंड बिलीव करता है ना यार, तो उसको कष्ट होता है। मैंने क्या कष्ट, मैंने क्या गलत करा? नहीं नहीं, मैंने गलत यार, क्या हम यार तुमसे कभी कुछ पूछे कि कमल तुम कहाँ थे, क्या किए? तुम्हारी कसम, अब ऐसा सुनो, तुमको आज बता रहा हूँ, कम से कम बहुत आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हारी पल पल की लोकेशन आती है तुम्हारे साथ, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, लेकिन फिर भी हम चलो इग्नोर करते हैं उसको। भैया खुद उनसे देखो, हमने मेरी बात सुनो, सुन लो पहले, आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। भाई देखो, हमको तो उतना पता है ना, जो हमको सुनने में आ रहा है उसको हम टैली भी करते हैं तो उसकी बात भी सही होती है। उसने भाई बताया कि आज रात को निकल के आ जाएगा कानपुर, आज रात को तुम निकल के आ गए, अगले दिन मैंने सुबह कॉल की, तुमने कानपुर की लोकेशन भेज दी, उसके एक दिन पहले की लोकेशन तुम्हारी वहीं की थी, वो कैसे सही है, उसको कैसे सब जानकारी है? वो 18 ATM बता चुका है कि दिल्ली में यहाँ यहाँ की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकलवा लो, इनका ना चेहरा है तो बताना आपका। चलो भाई होगा, हम पे ब्लेम करते हैं ना, वो तुम्हारे चक्कर में। अब हम बोले, सुनो भाई, हम तो टीम में है ना, तुम्हारे नाम के चक्कर में हमको उल्टा सुनना पड़ता है ना एक तरह से, कि हाँ तुम्हारा आदमी है, ये है वो है। हमका भाई हमारा कोई नहीं है, अगर गलत कर रहा है तो आप देखो, हमसे आश्वासन दिया था कि गलत नहीं करेगा, हम इतना जानते हैं। खत्म भैया, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद नहीं ATM, अब हम बता रहे हैं, वीरपाल नाम का हमारा दोस्त, हमने आपको बताया था, जो दारू का काम करता है, ठीक है। उसके वो उसका 6 जगह से गैंगस्टर आई उसके ऊपर, ठीक है। उसके परिवार वाले उसका कोई साथ नहीं दे रहे हैं, उसकी वाइफ है, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चों का फ़ोन आया कि चाचा चले आओ, पापा ऐसी दिक्कत होगी, उनकी बेल वगैरह करवानी है। तो हर तीसरे चौथे दिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप देखना फरीदाबाद की लोकेशन आती है मेरी, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद। मैं भेज दूँ तुमको, तुम्हारी 1 दिन की नहीं 20 दिन की लोकेशन मेरे पास पड़ेगी, ऐसा तो भैया। तो कहाँ की लोकेशन आप देखो, तो उत्तम नगर या उत्तम नगर में मेरी ना, क्या वो तो कह रहे हैं कि भाई उनका तो कहना है कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकलवाओ, वहाँ के ये है ये है। हम का भाई छोड़ो, हम पड़ी लकड़ी नहीं लेंगे, हमें फर्जी उसमें नहीं घुसना है भाई। कल को ये हो कि भैया सुनो, तो दे रखे हो पैसा, भैया दे रखे हो, भैया कोई पेमेंट नहीं आ रही है दिल्ली की, जो ये अफवाह। देखो यहाँ का लड़का कानपुर का हमने देख लिया है, हम दूसरों की बात नहीं बता रहे, हम अपनी बात बता रहे हैं। अगर हमारी नॉलेज में कोई लड़का जाएगा तो हम यही कहेंगे वो ATM में काम करने गया है। दिल्ली की पेमेंट नहीं आ रही है ये तो तुम मत बोलो, क्योंकि दिल्ली में तुम अकेले नहीं गए, दिल्ली में 20 लड़के गए हैं, बाकी 19 को भी हम जान रहे हैं, एक तो काम कराने वाले भी गए हैं जो इससे पहले काम कराए हैं, तो ये सब हम लोग को पता चलता रहता है। मैं ना बताओ कि दिल्ली आ रही है, विशाखापट्टनम आ रही है या तमिलनाडु आ रही है, पेमेंट कहाँ आ रही है भैया, हमने तो हमने ही। लेकिन मेरी बात सुनो, हमें उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन हम अगर तुम पर यार ब्लाइंड बिलीव कर रहे हैं तो तुमको हमको गुमराह नहीं करना चाहिए, और गुमराह कर रहे हो तो पूरी गुमराह वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरे को ये तो बताओ मैं क्यों गुमराह कर रहा हूँ आपको? आपने मेरे से पूछा कमल कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, पहली बार जब आपने बोला, ठीक है। आप जब पूछते हो तो मैंने बताता नहीं हूँ मैं कहाँ पे हूँ। अगर हम
हम किसी पे भरोसा करते हैं तो हमको थोड़ा क्रोध आता है मेरे भाई। भैया मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सो किसी की बात बताऊँ हाँ। तो हम उसके साथ, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तब, लेकिन आप तुम गलत करोगे तो फिर हम यार खुद हो जाएंगे। हम मैं क्या गलत कर रहा हूँ भैया बताओ, मैं गलत कर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं भाई, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अभी तुम दुकान उकान आए थे क्या? हमारे घर पूछ रहे थे। किसकी आए थे? किसकी दुकान पे? हाँ, 2500 रुपये थे मेरे पास, मैंने कहा जाके दे आऊँ जाके, तो वह वो लड़का था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, वो लड़का कह रहा लड़का था, उनके पिताजी नहीं थे, तो मैंने कहा लड़के को देना ठीक नहीं है, फिर मैंने वापस चलाया, वो बद्रीनाथ गए हुए हैं। हाँ चलो ठीक है, फिलहाल देखो अब चलो हम यार तुमसे क्या बात करें, अभी हमें तुम पहचान नहीं पाए कमल, ठीक है यार। हम फिर ऐसे खड़े हो, जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ या तो भैया एक चीज़ बताएं, मतलब ही नहीं रखते। अब एक बात बताएं, आप हमको नहीं पहचान पाए हो, नहीं तो आज तक मेरी जिससे बनी, आज जिससे मेरी बनी है ना, आज तक बिगड़ी नहीं है किसी से मेरी। चलो ठीक है, हाँ मैंने मेरी जिससे मेरी बनी है आज तक नहीं बिगड़ी आज तक। सुनो ये तुम क्या भेज रहे हो कि हम एसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं? भाई तुम्हारे बारे में एक एक चीज़, जो जो तुमने कराया, जो जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी लोकेशन भी ली है ना, तो डीसीपी साहब को पता है, ठीक है। अभी तुमको बताया 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब तुम आते, तुम उठने वाले थे वहीं से, ठीक है। किसकी बदौलत बचे हो वो हम जान रहे हैं, ठीक। अब तुम मानो ऐसा ना मानो, ठीक है ना, छोड़ दो ये सब बातें भैया, वही चीज है। क्या कहें, नहीं नहीं मेरी बात सुन लो, हम कभी खुल के बताना नहीं चाहते तुमको ये क्या चल रहा है, लेकिन ये जान लो कि इसकी बदौलत बचे हो तुम, नहीं समझ रहे हो ना, तुम एहसान मानोगे जीवन भर, लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको क्रोध आएगा तुम पर, तुम गलत काम करोगे उसके बावजूद, तुमको अगर कहीं कोई को बचा रहा है तो उसको क्रोध आएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा है भैया वही चीज़ है ना, क्या बताएं, हम तो जिस काम से लगे हुए थे हम तो उसी काम में लगे, अब मेरे को मंगलवार को फिर जाना है, ठीक है। कहो तो भैया चौकी में बता के जाए कि हम दिल्ली जा रहे हैं। भाई कोई मतलब नहीं हमसे, देखो पैसा हमारा थोड़ा है, मेहनत का हराम का, हमने ज़्यादा कमाया नहीं है, तो अगर हो तो वापस कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं, हम विचार कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, पैसा तो देना है हमको, मना थोड़ी ना करा पैसे देने की, तबीयत खराब हो गई थी, अगर कमा रहे होते पैसा होता तो मैं क्या माँ बहन की गाली सुनता क्या, मैं जाके पैसा देना देता। चलो ठीक है भैया।